क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर 23 से 24 मई तक टोक्यो के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। क्वाड में शामिल देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों संघ मीटिंग के साथ ही पीएम मोदी 36 जापानी सीईओ प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे हैं। क्वाड सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी इंडो पैसिफिक में एक बड़ी डीकार्बनाइज्ड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क तैयार करना, स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग के लिए इसे सुलभ बनाना, इंडो पैसिफिक देशों की जलवायु निगरानी समेत कई विषयों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिलेंगे। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की 2022 में ये दूसरी मुलाकात होगी। इस दौरान पीएम मोदी हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को रोकने पर भी चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले सितंबर 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई थी। चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के 23 मई के कार्यक्रम। जापान में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा पीएम मोदी का स्वागत है। एनईसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन नोबुहिरो एंडो के साथ मीटिंग, यूनिक्वेलो के चेयरमैन तदाशी यानाई के साथ मीटिंग, सुजुकी मोटर्स के एडवाइजर ओसामू सुजुकी के साथ मीटिंग, सॉफ्टबैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट मासायोशी सन के साथ मीटिंग। पीएम मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लॉन्च करेंगे। जापानी बिजनेस लीडर के साथ पीएम मोदी की बैठक, जापान में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ पीएम मोदी की बातचीत। पीएम मोदी के 24 मई के कार्यक्रम, क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, जापानी प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित लंच में शामिल होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक, जापान के पूर्व मंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मीटिंग, जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ मीटिंग, जापान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात और फिर साथ में डिनर, अंत में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे पीएम मोदी।